बात पूरी एक कश्मीर डिस्प्यूट है, कश्मीर डिस्प्यूट है विच इज देयर, जिसको हमने कंसिडर करना है और सॉल्व करना है और आराम से बैठकर तसल्ली से स्टेबल तरीके से बैठकर बातचीत करनी है, ना कि अनस्टेबल तरीके से जो बिल्कुल बैलेंस्ड ना हो, अनबैलेंस्ड तरीके से प्राइम मिनिस्टर से डाउनवर्ड मिनिस्टर और जनरल अनबैलेंस्ड किस्म की बातें करें, पीछे से वार करने की आदत फिर छोड़ दीजिए ना। और भाई किसको मार रहे हो, किसको सजा दे रहे हो, कोई हम भूटान है, हम भूटान है कि आप चढ़ के मारना शुरू कर देंगे, पीछे से वार करने की आदत फिर छोड़ दीजिए, हम आपको वो इतना ही मारेंगे जितना जैसा करगिल में किया था आपने, तो क्या पीछे से वार करने की आदत फिर छोड़ दीजिए सर, जैसे पुलवामा में किया, जैसे करगिल में किया। टेररिज्म आपकी, अब जब मैं बात कर रहा हूं तो आप फिर शुरू हो जाती है, टेररिज्म और मुजाहिदीन एक्टिविटी में फर्क हम डालते हैं, आपकी डेफिनेशन उसकी फर्क है, मेरी डेफिनेशन उसकी फर्क है, बैठ के बात करें और उसका हल निकालें ताकि कश्मीर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो, लेकिन वो तो आप नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी लाइन में लाकर कश्मीर हमारा है, कश्मीर आपका नहीं है, मैं नहीं समझता हूं आपका है, कश्मीर अपनी मर्जी से कश्मीर की सोल्यूशन होगी जो वो चाहते हैं, वेदर इंडिपेंडेंस या पाकिस्तान को मिलना चाहते हैं, इंडिया के कोई नहीं मिलना चाहता, ये मैं बता दूं आप घर में अपने प्राइम मिनिस्टर को भी बता दें, इंडिया से कोई कश्मीर नहीं मिलना चाह रहा है। आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं बदलती है, पाकिस्तान में बैठा मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद जहर उगल रहा है, जंग छेड़ रहा है, मरने मारने की बात कर रहा है, यहां पर युवाओं को इंडोक्ट्रिनेट कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, 40 से ज्यादा लोगों को एक एक बार में मार रहा है, और आपको ये आतंकवाद नहीं दिखता, आपको ये मुजाहिदीन दिखाई दे रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं सर, आंखें बंद कर लेने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? हाँ हाँ, पूरे विश्व में पाकिस्तान की जो 90 लोग आपके सिपाही मारते हैं वहां, 90 लोगों को शहीद कर, वो क्या है, वो क्या है ये बताएं, जो जो जिन्होंने जो आए दिन रोजाना निहत्ते लोगों को मारते हैं वो कौन है? गलत जानकारी दे रहे हैं, नहीं है, प्रोपेगेंडा ना करें टीवी पर, मुजाहिदीन है क्या है वो, प्रोपेगेंडा ना करें, नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, इस तरह 300 किलो आरडीएक्स के साथ अवॉइड करना चाहिए, 300 किलो आरडीएक्स के साथ हमला करता है, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उरी के बाद, और छोड़ने की बात हो गई ना, 300 आरडीएक्स मारे या 1000 आरडीएक्स मारे, उसको छोड़ दें आप, मुझे मेरी बात के जवाब दें आप कि कौन है टेररिस्ट जो निहत्ते लोगों को मार रहा है या जो, जी नहीं हमें उसकी बात नहीं करना, आप भागना चाहती हैं उससे, जी नहीं, नहीं, नहीं कश्मीर की, कश्मीर पे बात ही नहीं करनी आप, अब आपने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है तो जवाब सुनिए, क्रिकेट हम आपसे नहीं खेलेंगे, हम आपको बताते हैं, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ साहब ध्यान से सुनिए, भारतीय सेना उन्हीं लोगों को मारती है जो आतंकी हैं, जिनके पास हथियार है, जिन्होंने इस तरह से आरडीएक्स आईडी छिपा रखा है, लेकिन वहां पर आप आदिल अहमद डार जैसे लोगों को मोहरा बनाकर 300 किलो आरडीएक्स के साथ कारवां पर सीआरपीएफ के हमला करते हैं, इसलिए आप हमें ना समझाएं और ना ये हिमाकत करें कि आप दोनों चीजों को इक्वेट करने की भी कोशिश करें। मेरा अगला सवाल आपसे इमरान खान पर है, इमरान खान मोहरा बने हुए हैं आर्मी के, बीते दिन 6 मिनट का वीडियो जारी किया, 22 कट थे उसमें, स्क्रिप्ट भी सुना है आर्मी ही दे रही है आपकी, देखें आप, देखें बंद करें ये आप जो बोली चली जा रही हैं, ये तेज तेज बोलना बंद करें, और आप बिल्कुल गलत बातें कर रही हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा हूं, आप फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, और आप हमारे मुल्क के अंदरूनी हालत में इंटरफियर कर रही है, डोंट डू दैट, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की बात और फिर से पूछेंगे परवेज मुशर्रफ साहब, इंडिया पाकिस्तान में ये आपकी असेंबली में, एक सेकंड, आपके असेंबली में जो और टॉक शोज में जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मैं पहली चीज तो उसको कहना चाहता हूं, वो आप नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, नंबर एक उसका जवाब दे लें, अगर आप समझती हैं कर सकती हैं तो ट्राई करें जरा पाकिस्तान को, सवाल पूछ रहे हैं सर आपसे, तो आप उसको बार बार उसी को रिपीट, आपसे फिर से सवाल पूछ रही हूं, कि हम सजा दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर वो इमरान खान मोहरा बने हुए हैं सेना के, हजार दफा आपने पूछ लिया सवाल, हजार दफा, इमरान खान के कोई मोहरा वोरा नहीं बने हुए हैं, वो मोदी क्या है या उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्या कर रहे थे, अगर मोदी साहब के एटीट्यूड यही है कि हमें वो चार टुकड़ों में
कर देंगे तो वो पता नहीं वो किसके में मोरे बने हुए हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो कट कुछ नहीं होगा सर, कट तो इमरान खान के वीडियो में था। सवाल आपसे फिर से पूछ रही हूँ, क्या पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के ही इशारे पर इमरान खान साहब इस तरह की बोली बोल रहे हैं? वो झांकने को तैयार नहीं है, तफ्तीश तक करने को तैयार नहीं है, जब जैशे मोहम्मद जिम्मेदारी ले रहा है? कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान जितना इंडिपेंडेंट आदमी, बहुत कम हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो इतने इंडिपेंडेंट हैं और जो अपनी मर्जी से हुकूमत चला रहे हैं अभी भी, ये मैं समझता हूँ। मेरी उससे कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ वो पाकिस्तान के लिए अपनी एक ज़ाती सोच रखता है, उसके मुताबिक वो चल रहा है, और बिल्कुल आर्मी उसको कुछ नहीं दखल अंदाज नहीं हो रही है उसमें। जब गलत फहमी छोड़े, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के अंदर आप शरफ दे रही हैं, ये ना करें आप। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब तो आपने इतनी प्रशंसा उनकी की नहीं थी, पुलवामा कर दिया इसलिए आपको अति प्रिय हो गए, प्यारे लगने लगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर बने या अभी हो, जब कभी भी हो, जब आपको पठानकोट हुआ और इतने अटैक्स हुए हैं, मैंने उस वक्त भी कहा था ये दोबारा हो जाएंगे अगर आपने कश्मीर नहीं सॉल्व किया। आप मानते नहीं है, सुनते नहीं है, ना सुनना चाहते हैं, आप मारना चाहते हैं वो सिविलियंस को, बेचारों को।